हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साधना विजय ब्लॉग। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही थी अपने बाल में तेल लगाने, तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे बालों में तेल लगाती हूँ। यह राई का तेल, इसको मैं डबल बॉयलर से इसको बॉयल कर रही हूँ। ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब मैं इसको अपने बालों में लगाऊँगी। ये राई का तेल है। इस तरीके से हम अपने बालों में तेल लगाते हैं तो हमारे बाल बहुत ही अच्छे होते हैं। और राई का तेल आप लोग जानते हो, कोई केमिकल नहीं, केमिकल फ्री होता है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है, इसलिए मैं राई का तेल लगाती हूँ। तो मैं अभी लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। कैसे बोलो? ये मेरा बेटा सो के उठ चुका है अभी, है ना? इतना छोटू सा है कि इसमें आता ही नहीं है। थोड़ा बड़ा हो जाता तब तो, जल्दी से बड़ा हो जाएगा तब तो, इतना छोटू सा है। बोलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर जो मैं ऑयल सरसों का गरम की थी, मैं उसको डबल बॉयलर मेथड से उसको अपने स्कल्प में अच्छी तरह से लगा लिया और लेंथ में भी पूरे अच्छी तरह से इसको लगा के फिर 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से बाल में मसाज करें। ये लगाने के बाद आपको शैम्पू करने के बाद कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते। फिर मैंने मेथी और कलौजी भिंगा के रात में रखा था और उसमें विटामिन ई के एक कैप्सूल डाला। अभी हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं नाश्ते में आज क्या बनाई। आज बच्चे घर पे हैं, छुट्टी है, तो इसलिए मैं नाश्ते में मैं दिखाती हूँ कि क्या बनाई। दिखा देते थी ये मैगी, ये फ्राई राइस और ये निकाल लीजिए मैगी। तो आज हम लोग मैगी का नाश्ता करने वाले हैं और ये मेरा दूध गर्म हो रहा है, मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। चलिए मैं नाश्ता करने के बाद आपसे मिलती हूँ। फिर यहाँ पे जो मैं मेथी और कलौजी का पेस्ट बनाई थी और उसमें विटामिन ई के कैप्सूल मिक्स करके रखे थे, उसको मैं इस तरह से अच्छे से अपने स्कैल्प में अप्लाई करूँगी। पूरे बाल से लेके स्कल्प से लेके और लेंथ तक अच्छी तरह से इसको लगा लूँगी और इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे अपने बालों में लगा के रखूँगी और फिर इसको ठंडे पानी से वॉश कर लूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने पूरे बाल में अप्लाई कर लिया। फिर बालों में 1 से 1.5 घंटा रखने के बाद मैं उसको अच्छी तरह से वॉश कर ली थी और नहा ली थी। नहा के आने के बाद मैं मशीन में कपड़े लगा के गई थी तो वो भी धुल गए थे, तो मैं इन लोग को फटाफट सूखने के लिए मैं बालकनी में कपड़े सुखाती हूँ, तो इस तरह से मैं बालकनी में डाल लिया। हाउसवाइफ की लाइफ में बहुत ही क्रिटिकल होती है, लेकिन लोग बोलते हैं कि सबके घर में ऐसा बोलते हैं कि हाउसवाइफ को तो बहुत आराम है, घर में करती क्या है, घर में तो बैठना रहता है। ऐसा किस किस के घर में बोला जाता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे घर में तो बोला जाता है कि पूरे दिन करती क्या है, बैठी तो रहती है और क्या करती हो। तो मैंने जल्दी जल्दी से इस तरह से कपड़े सुखा लिए। अगर हम लोग देखा जाए तो हाउसवाइफ की लाइफ ना बहुत ही अभी क्या बोलूँ, बहुत ही परेशानियों के साथ गुजारना पड़ता है। हम बीमार भी रहते हैं तो फिर भी हमको काम करना पड़ता है, उठ के खाना बनाना पड़ता है, सारे काम करना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है। मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी मैं दोपहर में खाना बना रही हूँ। मैंने दाल बना लिया, चावल बना लिया और मैं आज दोपहर में दाल चावल और चोखा किसी किसने खाया है ज़रूर कमेंट में बताना। तो अभी मैं बैगन को और टमाटर को ऐसे भून लेती हूँ और खाना बनाने के बाद में आपसे मिलती हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से बैगन और टमाटर मैंने भून लिया। फिर चोखे में डालने के लिए मैं लाल मिर्ची इस तरह से भून लेती हूँ और लहसुन भून लेती हूँ, फिर उसको कूट लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा आवाज़ म्यूट हो चुका था इसलिए कोई वॉइस नहीं आ रही थी, तो मैं ये बोल रही थी कि अभी मेरा खाना तैयार हो गया है तो हम लोग अभी खाना खाने जाते हैं। और मेरा ये चोखा कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना,
इसका वीडियो मैं अपने शॉर्ट वीडियो पे डाली हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दाल चावल और चोखा बहुत ही अच्छा लगता है, तो मेरा कुछ इस तरह से दोपहर का लंच था जो खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो आप लोग भी प्लीज़ इस तरह से बनाएं और खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखो मैं कपड़े, अभी हम लोग जा रहे हैं टेरेस पे, और देखो ये मेरे बेटे का कपड़ा कितना चमक रहा है इस लाइट में, लिफ्ट की लाइट में। अभी बंद हो गया। यस, हम लोग आ चुके हैं टेरेस पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने टेरेस पे, और ये लोग देखो मस्ती चालू है इन लोगों का। और मैं दिखाती हूँ मेरे टेरेस से, बिल्डिंग के टेरेस से यहाँ का व्यू कैसा दिखता है। ये देखिए, यहाँ से चारों तरफ से बिल्डिंग बिल्डिंग ही दिखेगी। सबसे बड़ी, मम्मी रुक जाओ मैं दिखाती हूँ, हमारी सबसे बड़ी बिल्डिंग है। तो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से व्यू, ये बहुत ही अच्छा दिखता है। ऊपर काले बादल आ गए। और अभी धूप नहीं है और हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो टेरेस पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी मेरा वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ अपनी वीडियो का एंड करूँ। तो आज की वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।